नासिर हुसैन साहब कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत आपका। मैं आपके हाथ में ये प्लेकार्ड देख रही हूँ, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, आप ये पोस्टर लगा रहे हैं, क्या रणनीति है विपक्ष की? देखिए इसमें रणनीति क्या है, इसमें रणनीति यही थी कि ये सेशन को पूरी तरह से चलाने देना चाहिए। रणनीति यही थी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में जो तय किया गया उसके हिसाब से बिल्स पे चर्चा होना चाहिए। हाउस बड़ा स्मूथली चल रहा था, लेकिन एक इशू आ जाता है, एक घटना घटती है, 700 से ज़्यादा जो MPs बैठते हैं वो पार्लियामेंट बिल्डिंग पे अटैक हो जाता है, इंट्रोड्यूस अंदर चले जाते हैं, स्मोक बॉम्ब लेके जाते हैं। बाद में पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक MP उनको पासस पहले भी दिया था, अब भी पासस देके अपनी गाड़ी में लेके आता। तो हम डिमांड करते हैं कि बाकी नई बिल्डिंग थी, हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स इस पर इस्तेमाल किए गए थे बिल्डिंग बनाने में, सिक्योरिटी फुल प्रूफ है बोला गया था, प्रधानमंत्री जाके खुद झांक के झुक के बैठ के चेयर्स पे पता नहीं क्या क्या फोटोज आप लोग सब दिखाए थे। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी देश के MPs के लिए ब्रीच हो सकता है, तो देश की सिक्योरिटी आप क्या दे सकते हैं? तो इस चीज़ को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए, हम लोगों ने मांग की है, सिर्फ एक स्टेटमेंट की मांग कर रहे थे। आप 143 MPs को आप बाहर कर देते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये नहीं चाहते किसी भी तरह जो है डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हो। इसका विरोध हम पार्लियामेंट में किए, पार्लियामेंट के बाहर जब किए गए हैं तो जनता के बीच में लेके जाएंगे। तो सरकार तो उल्टा इसी तर्क को आपके ऊपर मढ़ रही है, वो ये कह रही है कि दरअसल आप चर्चा से बचना चाहते हैं, आप जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिलों पर बातचीत नहीं करना चाहते, इसलिए आप बार बार हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए ये निलंबन जरूरी, हम मांग क्या कर रहे थे? आपको पता नहीं सिक्योरिटी के ब्रीच हुआ, आपको पता नहीं कुछ लोग स्मोक बॉम्ब्स लेके अंदर चले गए थे, आपको नहीं लगता कि MPs अपने सिक्योरिटी के लिए स्टेटमेंट की मांग कर रहे थे? इस पहले भी इस तरह के हादसे हुए थे पार्लियामेंट बिल्डिंग पे लेके, उस टाइम पे होम मिनिस्टर उस टाइम के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दिए थे और दो दो दिन की चर्चा भी चली थी। हम चर्चा की भी मांग नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ स्टेटमेंट की मांग कर रहे थे। स्टेटमेंट की मांग करने पर आप इतने लोगों को बाहर कर देंगे तो आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा यही है कि अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट आप चलाना चाहते हैं। अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट का आप आरोप लगा रहे हैं और सरकार ये आरोप लगा रही है कि आप लोग सदन नहीं चलाने देना चाहते क्योंकि बाहर कौन किया? बाहर कौन किया? हम सत्ता में हैं या भाजपा सत्ता में है? निशिकांत दुबे ने तो बकायदा ये कहा कि इससे पहले की जो घटनाएं हुई थी उसमें कभी गृह मंत्री से जवाब नहीं मांगा गया। कौन बोल रहे हैं आप? 2001 की जो घटना हुई थी आप निकाल के देख लीजिए, रिपोर्ट आप निकाल के देख लीजिए, 2009 में जो घटना घटी थी उसमें होम मिनिस्टर आके जवाब दिए थे, प्रधानमंत्री अपनी बात रखी थी, दो दिन की बहस उसमें हुई थी। हर टाइम जब घटना होती है कुछ भी होता है तो स्टेटमेंट देना चाहिए कंसर्न मिनिस्टर से, ये हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये कन्वेंशन चला आया है। अब इसमें जो है इतना ईगो क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा में चूक एक गंभीर विषय है और इस पर कभी सदन में नहीं लेकिन उन्होंने साक्षात्कार में कहा। कन्वेंशन क्या है जी? कन्वेंशन क्या है? जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, जब सांसद लोग सेशन में रहते हैं, उस टाइम पे प्रधानमंत्री हो या कंसर्न मिनिस्टर हो आके सदन में स्टेटमेंट देते हैं। आप किसी चुनावी सभा में से, किसी पब्लिक रैली में से, यू कैनॉट चूज टू एड्रेस द पार्लियामेंट, यू हैव टू एड्रेस द पार्लियामेंटेरियंस इन द पार्लियामेंट। दिस हैज बीन द कन्वेंशन ऑफ आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक तरफ आप यहाँ विजय चौक पे पूरी सड़क पर मार्च कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आज BJP भी सरकार भी आपके खिलाफ हल्ला बोल रही है, वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाली है। वो ये कह रही है कि आप लोगों ने उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, उनका अपमान हुआ है और राहुल गांधी भी हंस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट करने में माहिर है। जब भी हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं, चाइनीज इंकर्शन वाला उठाते हैं, अदानी वाला उठाते हैं, मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा था जो उठाते हैं, कुछ ना कुछ लेके आके अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। आज मुद्दा पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की ब्रीच का है, आज मुद्दा 143 MPs का सस्पेंशन का है, आज मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का MP जो रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी ब्रीच का, जो उसको सस्पेंड नहीं कर रहे, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं कर रहे, ये मुद्दा है। तो BJP अटेंशन डाइवर्ट ना करें। और प्रधानमंत्री लोकसभा में किसकी मिमिक्री किए थे जी? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी किस तरह से मिमिक्री करते थे, ये सारा देश को पता है। अटेंशन डाइवर्ट करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो भी हुआ हो, किसी भी के भी दिल को बात लगी हो, अगर वैसी बात कुछ हुई तो बहुत आहत है। नहीं, आहत है रहें, ये कोई उस तरह से लगा है तो उसको उनको पूरा राइट है,
लेकिन मैं ये कहता हूँ हर बात को जात से, समुदाय से, वर्ग से जोड़ना नहीं चाहिए। अगर उस तरह से देखें तो 143 जो MPs जो सस्पेंड हुए हैं उसमें जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, दलित भी हैं, ट्राइबल भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, इनके सारे समुदायों को उन्होंने आपको लगता है कि अगर कोई एक राजपूत MP को सस्पेंड किया गया कि पूरे उनके समुदाय के खिलाफ या समाज के खिलाफ काम हो गया? तो आपने सुना, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन जी इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए। आपने सुना, साफ तौर पर यह कहना है कि मुद्दों को डाइवर्ट करने की सरकार कोशिश कर रही है।